अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। फिर से स्वागत है आप लोगों का एक न्यू व्लॉग वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको कौन कौन से प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि मेरा गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था 3-4 दिन पहले, तो आज मैं जा रहा हूँ गाड़ी के शोरूम में। ठीक है, मेरी गाड़ी का जो शोरूम है वहाँ पे मैं जा रहा हूँ, वहाँ पे अपनी गाड़ी ठीक करवाऊंगा। ठीक है, वहाँ पे मैं आज गाड़ी देकर आ जाऊंगा। देखते हैं कि कितने दिन बाद फिर मुझे दोबारा बुलाता है। तो कुछ दिन पहले ही एक्सीडेंट हुआ था और जो है जो सारा प्रोसीजर था वो सारा मैंने फॉलो कर लिया, सारा मैं कंप्लीट कर लिया था। और पेपर, जितना पेपर बनता है सारा पेपर मैं ले जाकर जो है कि वोल्वो शोरूम में जमा कर दिया था। फिर उसने मेरे को बोला था कि जब हम फोन करेंगे तब आना, क्योंकि अभी जो है हमारे पास गाड़ी का स्टॉक बहुत ज्यादा है और गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। तो आप जाओ और 2-3 दिन बाद मैं फोन करूंगा तो आना। तो आज फाइनली फोन आ गया है और मैं जा रहा हूँ वोल्वो शोरूम में अपनी गाड़ी देने। तो गाइस, आप लोग भी अगर कुवैत में हैं और ड्राइविंग में हैं, चाहे किसी भी ड्राइविंग में हो, हाउस ड्राइविंग में हो, डिलीवरी ड्राइविंग में हो, कंपनी ड्राइविंग में हो, किसी भी ड्राइविंग में आज अगर आप लोग हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। और ये वीडियो को ज़रूर आप लोग देखें ताकि इससे आप लोगों को जानकारी होगी कि कभी भी अगर आप लोगों के साथ अगर ऐसा हादसा हो जाए तो आपको क्या क्या करना पड़ सकता है। ठीक है, जो नए लोग हैं उनके लिए ये ज़रूरी है, पुराने लोगों को ऑलरेडी पता होगा। जितने नए लोग हैं जिनको 2-4-6 महीना हुआ है कुवैत में, या जो लोग आना चाहते हैं अभी कुवैत, उन लोगों के लिए ये बहुत ही इंफॉर्मेशन वाली वीडियो है। तो गाइस वीडियो का आखिरी तक देखें, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो गाइस मैं अभी चल रहा हूं, रास्ते में हूं, तो गाइस मैं आप लोगों को थोड़ा सा रास्ते का भी व्यू दूंगा और चलते चलते आप लोगों से रास्ते में बात करूंगा कि मैंने क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किया था। और आप लोग को भी ऐसे सेम फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि ये कुवैत है, इंडिया नहीं है कि इंडिया में जो है गाड़ी लड़ जाती है तो कैसे भी आप बनवा सकते हो। नहीं, यहाँ पे जो है अगर गाड़ी थोड़ा भी एक्सीडेंट हो जाए या ज्यादा एक्सीडेंट हो जाए तो आप लोगों को जो है बहुत सारा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। तो सारी डिटेल्स मैं आज आप लोगों को देने वाला हूं और अल्लाह ना करे कि किसी का गाड़ी यहां पे लड़े, किसी का एक्सीडेंट हो, क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, कफील भी पैसे काट लेते हैं। तो मेरा कफील पैसा नहीं काटा क्योंकि मेरे गाड़ी का फुल इंश्योरेंस था। तो गाइस रास्ते में चलते चलते मैं आप लोगों को सारी डिटेल देता हूं। तो गाइस जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं जा रहा हूं वोल्वो शोरूम में और मेरे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था कुछ दिन पहले, तो उसी के लिए मैं जा रहा हूं वोल्वो शोरूम में। और जैसे कि मैंने आप लोगों को यह भी बताया कि क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं और कौन कौन से पेपर बनवाने पड़ते हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज आप लोगों को देने वाला हूं। और आप लोग ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिए, ये वीडियो आप लोगों को बहुत काम आने वाली है आगे चल के। ठीक है, कभी भी अगर आपके साथ ऐसा हादसा होगा तो, अल्लाह ना करे कि ऐसा हादसा आप लोगों के साथ हो कभी भी, लेकिन अगर बाई चांस अगर हो गया तो ये वीडियो आप लोगों को बहुत काम आने वाली है कि कौन कौन से प्रोसीजर फॉलो करते हैं अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो। तो सबसे पहले अगर आपका गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है कहीं पे भी, तो वहाँ पे तो जैसे कि आप वहीं पे गाड़ी अपना स्टॉप कर दीजिएगा, जिससे भी जिसके साथ लड़ी हुई है या अकेले में लड़ी हुई है। स्टॉप करने के बाद जो है पुलिस वाले आएंगे, अपना वेरिफिकेशन करेंगे कि किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है। चलो ये सब अगर मामला निपट गया है तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो है आपको सीधा जाना है पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद वहां से आपका एक पेपर बनता है। ठीक है, वहां से आप एक पेपर बनवाएंगे जो कि इंश्योरेंस के लिए होता है, क्योंकि जब तक वो पेपर आप नहीं बनवाओगे तब तक आप इंश्योरेंस कंपनी में जाके आप अपना इंश्योरेंस क्लाइम नहीं कर सकते हो। और जब तक आप अपना इंश्योरेंस क्लाइम नहीं करोगे तब तक आप अपने गाड़ी के शोरूम में जाके अपनी गाड़ी नहीं बनवा सकते हो। ठीक है, तो ये दो चीज फॉलो करना बहुत जरूरी रहता है। तो सबसे पहले आपको वो पुलिस स्टेशन में जाके जो है अपना पेपर बनवाना रहता है इंश्योरेंस के लिए। वो पेपर बनवाने के बाद फिर आपको जाना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी, जिस भी कंपनी से आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस हुआ होगा, आपका कपिल करवाया होगा, उस इंश्योरेंस कंपनी में आपको जाना रहता है। वहां पे जाके अपना जो है सारे डिटेल्स, अपने गाड़ी का जो दफ्तर होता है, अपना ड्राइविंग लाइसेंस, अपनी सिविल आईडी, ये सारा वहां पे देना रहता है, और अपने कपिल का सिविल आईडी देना रहता है। फिर वो आपको इंश्योरेंस क्लाइम करके एक पेपर देगा। दोनों पेपर का जो फोटो है मैं आप लोगों को डिस्प्ले पे शो कर दूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि दोनों पेपर कैसा होता है। तो दोनों पेपर लेने के बाद जब दोनों पेपर आपका बन जाए, उसके बाद फिर आपको जाना रहता है वोल्वो शोरूम में। वोल्वो शोरूम यानी जिस भी कंपनी की आपकी गाड़ी रहेगी, मेरी कंपनी की गाड़ी जो है वोल्वो, इसलिए मैं वोल्वो बता दिया, जिस भी कंपनी की आपकी गाड़ी रहेगी उस कंपनी में, उस शोरूम में आपको जाना रहेगा। वहां पे जाके सारा पेपर आपको सबमिट करना रहेगा। ठीक है, सारा पेपर जब आप सबमिट कर लोगे तो फिर उसके बाद वो आपको कुछ दिन का टाइम देगा, क्योंकि जब तक वो पेपर जो है सारा सेंड करेंगे वो फिर से इंश्योरेंस वाले कंपनी को, फिर वहां से अप्रूवल आएगा, उसके बाद जो है आपकी गाड़ी का जो है काम स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आपको वहां पे सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद कुछ
कुछ दिन वेट करना होगा, आपको वो फोन करेगा कि भाई आप आ जाओ अपनी गाड़ी लेकर, सारा प्रोसीजर ओके हो गया है, अप्रूवल आ गया है, तो अप्रूवल का आपको वेट करना पड़ेगा। जब आप अप्रूवल आपका आ जाएगा तो फिर आप अपनी गाड़ी लेकर जाएंगे और वहां पे आपकी गाड़ी जो है रिपेयर हो जाएगी, जो भी आपकी गाड़ी में नुकसान हुआ होगा। तो गाइस यही सारा प्रोसीजर है और ये सब प्रोसीजर फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इंडिया नहीं है कि कैसे भी गाड़ी लड़ गई आप कहीं भी जाके बनवा लो, मुश्किल नहीं है। ये कुवैत है, जितने भी गल्फ कंट्री है सबका एक ही नियम है कि अगर गाड़ी लड़ जाती है तो उसके लिए पुलिस स्टेशन में से जाके जो है एक पेपर बनवाना रहता है, फिर उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम करना रहता है। और कुवैत की एक अच्छी बात ये है कि आप यहाँ पे देखेंगे 99% लोग जो है अपनी गाड़ी का फुल इंश्योरेंस करवाए रहते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है कि अगर कोई भी ड्राइवर से अगर गाड़ी लड़ गई है, एक्सीडेंट हो गया है, तो जो है कि गाड़ी पूरा का पूरा फ्री में बनता है, ठीक है, ये फुल इंश्योरेंस कराए रहते हैं। तो गाइस आप लोगों को समझ में आ गई होगी क्या 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 करना रहता है, क्या नहीं करना रहता है, सारा प्रोसीजर मैंने आप लोगों को बता दिया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो गाइस अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन हमारी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।